चौड़ी बस्ती में जिंदगी बस ऐसी ही थमी सी थी। यहां सिर्फ कमी ही कमी थी, लेकिन जो छूटता, जो टूटता, जो बिखरता, उसका मलाल ही नहीं था, मलाल की सोच ही नहीं थी। कमिटी बनाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे भी थे कि जिनके मन में बदलाव की झनकार थी रखती थी। मोहल्ले में कमिटी बनाएंगे। तुम्हारी समस्याओं का हल मैं हूँ, मैं भौंरी, मैं ही कमिटी। चल हट। पापा हलो। गलियां ये सपनों की, जिंदगी पलती है, बीती हुई कहानी ये नई भोर अपनी। हमारी समस्या हम इस नक्शे में डाल सकते हैं। ख्वाबों के बादल पे अफसाना लिखते हैं, किले और ताज हमारी आंखों में पलते हैं। गलियां ये सपनों की, जिंदगी पलती है। और यहाँ बस्ती के लिए कम्युनिटी टॉयलेट की प्रोसेस शुरू करवाते हैं। वेल डन। बस्ती वालों ने एकजुट होकर अपनी जरूरतों के मुताबिक कम्युनिटी टॉयलेट का डिजाइन किया। रिंकी, हाँ? ये दीवार थोड़ी दूर होनी चाहिए, इसी ऊंचाई पे एक और कुंडी लगा देंगे। खटाक से दरवाजा बंद करा दे, डेढ़ चावल की खिचड़ी पका दे। टॉयलेट के सीट को सिंहासन बना दे, डेढ़ चावल की खिचड़ी पका दे। हल्का घर तो हमने बना लिया, पर इसे चलाएंगे कैसे? मैं संभालूंगी तुम्हारा टॉयलेट। मैं नहीं, हम। मैं, हम। मैं, हम। मैं, हम। हमारी बस्ती का सेल्फ हेल्प ग्रुप चलाएगा। ये सिर्फ एक टॉयलेट नहीं है भंवरी। तो क्या है? ताज। हाँ, ताज है ये। सपनों की नैया का ताज देखो, बस्ती की शान का ये साज देखो। बस्ती के लोग एकता समिति की रस्सी से बंधे हुए थे, कोई भी आपदा उन्हें तोड़ ना सकी। जुड़ते गए, जोड़ते गए, बढ़ते गए और कारवां चलता रहा। कोरोना महामारी के दरमियान एकता समिति ने मास्क बनाने का काम शुरू किया। किसी ने कपड़ा काटा तो किसी ने सिया, किसी ने पैकिंग की तो किसी ने सप्लाई पे ध्यान दिया। चौड़ी बस्ती के इस संकरे रास्ते पर जिंदगी पलती गई।